मैं इस बहुत खास मुहिम में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए भी एज ए नेटवर्क फर्स्ट है, जहां हम इतना बड़ा लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी लिस्ट है गेस्ट की जो आज जुड़ने वाली है, क्योंकि आज बहुत खास दिन है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये संजीवनी कैंपेन, इस संजीवनी कैंपेन का एंथम लॉन्च आज है। ये संजीवनी कैंपेन है क्या? नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक साथ में, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड यूनाइटेड वे मुंबई, हम सबकी एक मुहिम है साथ में कि देश में वैक्सीन अवेयरनेस को बढ़ाएं, लोगों में ये जागरूकता जगाएं कि आपको जाकर ये टीका लगाना है। हैशटैग टीका लगाया क्या? और एंड द ओनली अर्ज इज यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड एंड यू मस्ट गेट एवरीबडी अराउंड यू वैक्सीनेटेड। एनकरेज देम, हेल्प देम गेट ओवर दिस हेजिटेंसी एंड द डाउट्स इन देयर माइंड, क्योंकि यही हमारी संजीवनी है। दिस इज द शॉर्ट ऑफ लाइफ, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू अलाउ अस टू गेट बैक टू अ सेम्ब्लेंस ऑफ नॉर्मलसी एंड बीट दिस पैंडेमिक हॉलो। और कुछ महीने पहले हमने ये मुहिम शुरू की थी अटारी बॉर्डर से, और इसको हम देश भर में लेकर जाना चाहते हैं। आवर एफर्ट हैज बीन टू टेक दिस कैंपेन, टेक संजीवनी द मैसेज ऑफ गेटिंग वैक्सीनेटेड, टेकिंग दिस मैसेज दैट संजीवनी इज अ शॉर्ट ऑफ लाइफ टू द ग्रास रूट। 500 गांव हम कवर करना चाहते हैं। देश के 5 प्रदेशों में 5 बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कोविड, ये जो महामारी है, सबसे ज्यादा फैली थी। वेर इट स्प्रेड द मोस्ट एंड इट इम्पैक्टेड, वी वॉन्ट टू गो डाउन ऑन ग्राउंड। आवर टारगेट इज अबाउट 500 villages, और हम कर रहे हैं ये एक संजीवनी गाड़ी, नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी के साथ। इस कैंपेन में हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत हैं जो कि कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो भी अभी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, सोनू सूद। बट वी आर टेकिंग दिस मैसेज डाउन टू द ग्राउंड थ्रू दी संजीवनी गाड़ी, जहां हम लोगों को जाकर बता रहे हैं यूनाइटेड वे मुंबई और उनके हमारे जो बाकी एनजीओ पार्टनर्स हैं, अपोलो 24/7 के हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जाकर हम लोगों से ये कह रहे हैं कि जाइए टीका लगवाइए, अगर आपने लगवा लिया तो किसी और को भी लगवाइए, सबको बताइए कि ये टीका हमारी संजीवनी है। ये संजीवनी गाड़ी आगे ग्राउंड पर क्या कर रही है, कैसे लोगों से जुड़ रही है? कम से कम 200 गांव तक आज हम पहुंच चुके हैं, 300 गांव और हैं, हो सके तो और भी गांवों को हम कवर करेंगे। जब तक लोग जुड़ते हैं इस मुहिम से, जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना ज्यादा हम इसको पुश करने की कोशिश करेंगे। और आज ही के दिन सरकार का भी महाअभियान शुरू हो गया है, एवरीबॉडी अबाउट द 18 एज ऑफ 18, द सेंटर इज गोइंग टू सोर्स एंड प्रोवाइड दीज वैक्सीन्स, एंड इन द कमिंग डेज इन जुलाई ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर वी हैव टू एम्प अप दिस रेट ऑफ वैक्सीनेशन from an average of 3 million vaccines per day or 30 lakh vaccines per day to nearly 1 crore vaccines per day, जो किसी और देश ने दुनिया के नहीं किया है वो हमें करना है, और हम करके दिखा सकते हैं, ये हमारा जज्बा है। संजीवनी गाड़ी ग्राउंड पर क्या कर रही है, इस कैंपेन एवी के थ्रू देखते हैं। अमृतसर पंजाब, इंदौर मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, दक्षिण कनाडा कर्नाटका and Guntur, Andhra Pradesh. The Sanjeevani ki gaadi on the move in 5 districts worst hit by COVID-19. Launched on May 24th, the 5 vans have till date covered nearly 200 villages and over 1 lakh beneficiaries sensitized through mass awareness. The Sanjeevani campaign not only promotes COVID-appropriate behavior, but also highlights how the benefits of the vaccine outweigh any side effects that one may experience. On the ground, the message to take the vaccines spread by actor and campaign ambassador Solu Sood, pamphlets and personalized counseling. By putting the focus on protection of oneself, one's family members and those around them, the campaign has been able to not only increase registrations of beneficiaries that we work with, but has also helped dispel myths surrounding the virus itself. With states under lockdown, the Network 18 Federal Bank initiative also arranging transport for specially abled citizens to reach vaccination centers. I feel there is a very good impact of this project on the ground level. The grassroots level awareness is taking place in a very good way. At the same time, this awareness has led to the vaccination drive in a very systematic way. So I feel there is a very good impact under this campaign. Our mission is clear. Each and every Indian must get vaccinated. तो जाइए टीका लगाइए, हैशटैग टीका लगाया क्या?
एवरी इंडियन शुड गेट वैक्सीनेटेड, यही हमारी मुहिम है। धूप हो, छांव हो, बारिश हो, बाढ़ हो, कोई भी बात हो, हम हमारे काम में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी हमने ये काम किया है। अब तो धीरे धीरे चीजें खुलने लगी हैं, तो हमको खुल के जाकर कहना है कि आइए, जाइए, टीका लगवाइए। और आज इस ओकेजन पर, ऑन दिस ओकेजन, वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल मैसेज अलॉन्ग विद आवर पार्टनर्स इन फेडरल बैंक, अपोलो 24/7, यूनाइटेड वे मुंबई, सोनू सूद आवर कैंपेन एम्बेसडर, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू समबडी वेरी वेरी स्पेशल हु इज परहैप्स द ब्रेन्स बिहाइंड दिस एंथम दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च। आज एक गाना है, एक एंथम है जो हम आपको सुनाने वाले हैं पूरा, जिसको आप सुनेंगे तो फिर आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाएगा, टीका लगा, टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खास शख्सियत है जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। हमारे देश में जब पोलियो कैंपेन हुआ था, ही वॉज द मैन बिहाइंड इट, ड्राइविंग द पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। ही इज ऑल्सो द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टूडे, हुज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस फाइट, इंडियाज रेजिस्टेंस एंड फाइट बैक अगेंस्ट दिस वायरस, एंड ऑल्सो ऑन द वैक्सीनेशन ड्राइव। ही इज जॉइनिंग अस नाउ विद अ वेरी वेरी स्पेशल मैसेज on the Sanjeevani campaign. This is Dr. Harshvardhan. मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष का विषय है कि न्यूज 18 नेटवर्क वैक्सीन लेने के लिए देशवासियों को बड़े पैमाने पर प्रेरित करने हेतु संजीवनी अभियान चला रहा है। संजीवनी शब्द ही जीवन रक्षा में साधक का पर्याय है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि कोविड के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे अधिक प्रभावशाली और सुरक्षित शस्त्र है। आज जरूरत इस बात की है कि वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे संशय और भ्रम को दूर किया जाए तथा लोगों को बढ़ चढ़कर वैक्सीन लेने हेतु आगे आने के लिए जागरूक बनाया जाए। हमें वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना, दो गज की दूरी और हाथ को बार बार धोने जैसे साधारण उपायों को नहीं भूलना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे देश के शहरों और गांवों में टीकाकरण की गति बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि इस दिशा में न्यूज 18 नेटवर्क का संजीवनी अभियान एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से भारत अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक देकर कोविड संक्रमण के संभावित फैलाव पर रोक लगाने में कामयाब होगा। मैं न्यूज 18 नेटवर्क के इस जन जागरूकता अभियान की हृदय से सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भारतवासी इस अभियान से लाभान्वित होंगे और कोरोना संक्रमण को रोकने के इस उपाय को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षवर्धन, आपका बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही प्रेरणा भरा मैसेज है और हमें और ज़्यादा प्रेरित करता रहेगा। बट आई हैव टू टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत साफ दिल से सीधी बात आपसे करना चाहता हूँ कि ये मुहिम हमारी है, ये सपना हमारा है न्यूज 18 नेटवर्क का। हमने देखा था इसको, बट दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल हैड नॉट सम पीपल स्टेप्ड अप इमीडिएटली, हैड नॉट सम पीपल रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड कम अहेड टू पार्टनर विद अस। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं कहना चाहूँगा हमारे पार्टनर्स हैं फेडरल बैंक, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे कैंपेन एम्बेसडर हैं सोनू सूद, और इस एंथम को कंपोज करने वाले महान गीतकार, संगीतकार, गायक और एक जीनियस मैं उन्हें मानता हूँ, शंकर महादेवन जी। एक एक करके उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे कैंपेन एम्बेसडर सोनू सूद आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू जी नमस्ते। जो काम आप पिछले 1-1.5 साल से करते आ रहे हैं उससे आगे करते रहे हैं, फिल्मों में पर्दे पर आप चाहे जो भी किरदार निभाएं, हीरो लेकिन आप जरूर हैं, रियल लाइफ हीरो हैं, और इस कैंपेन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई नो यू रिस्पॉन्डेड लाइक इन एन इंस्टेंट, और ये बात मैं आज हमारे सभी दर्शकों से कह सकता हूं कि आपने 2 मिनट टाइम नहीं लगाया ये कहने में, हाँ चलो आनंद करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।
नो थैंक यू सो मच आनंद फॉर हैविंग मी. और मैं जैसे आपने बोला कि दो मिनट भी मुझे लगता है ज़्यादा समय है अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें. और जब मुझे पता चला, मेरा खुद मानना है कि एक आज के समय की संजीवनी है वैक्सीन. और जब हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या है, इतने सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग सोच है कि लगवाना ठीक है या नहीं है, तो बहुत ज़रूरी था कि ऐसी मुहिम शुरू करना था कि हम घर घर गांव गांव जाकर उन्हें बताएं कि कितना ज़रूरी है वैक्सीन लगाना. और मुझे याद है कि जब हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी अटारी से, और आज हम जब 200 गांव तक पहुंच चुके हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये मुहिम है और इसको कितना और बड़ा करना है. ये नेटवर्क 18 के माध्यम से, फेडरल बैंक के माध्यम से हम लोग वो तक पहुंच पा रहे हैं. और जब मुझे पता चला कि इसके ऊपर एक एंथम बन रहा है जो शंकर महादेवन जी बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि सोने पे सुहागा वाला काम है कि और मैसेज और तेजी से लोगों तक पहुंचेगा. तो बड़ा अच्छा लगता है. मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे उन गांवों में जहां जहां पर हमारी ये वैन्स पहुंची हैं इंटीरियर्स में, आंध्र की बात करें, पंजाब की बात करें, जब उन्होंने वैन्स देखी, उन्होंने उस वैक्सीन ड्राइव का हिस्सा बने, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमें पता है कि हम देश के कोने में कितने भी व्यस्त हों, लेकिन एक ऐसी फोर्स है जो हर गांव में हर छोटे परिवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है उन्हें सुरक्षित करने के लिए. और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और भी इस पर विस्तार से बात करेंगे. यू आर लुकिंग शार्प एज एवर. और ये भी आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि अपने आप को फिटनेस और मेंटल वेलबींग पर और ओवरऑल वेलबींग पर भी आप हमेशा फोकस करते हैं. आपको देखकर पता ही नहीं लगता, आप फॉरएवर यंग लगते हैं सोनू. लेकिन थोड़ी देर में और बात करते हैं एक एक करके. मैं बाकी आज जो हमारे पास मेहमान हैं उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम श्रीनिवासन, MD फेडरल बैंक एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस कैंपेन. And it's such a pleasure to have him with us and join us live despite his busy schedule. It's a manic Monday, but I know you've taken time, Shyamji. Thank you very, very much. We also have Ajit KK, who's the Executive Vice President and the Chief Human Resources Officer, joining us from Federal Bank. So, Ajit, welcome. But Shyamji, this campaign, the anthem, the gadi, the awareness, and of course, the message that we are taking forward. Thank you so much. And I know that you really did not take much time to partner with us, and you've been a very, very strong support. I heartfully, with from the bottom of my heart, I thank you for all the work and all the support that Federal Bank and Team Federal Bank has extended. Your thoughts, Shyamji? Yeah, now we can hear you. Go ahead. Yeah, now this is exciting, and all these ideas, when it comes into action, is when it means much. So when in fact yesterday I sort of had a chance to sneak preview of what the anthem and how Shankar Mahadevan and his troop have put together is just really giving expression to the great idea that you guys came up with. And as a partner to this very, very exciting program, which is truly enabling people to get their first aware and second get their shot, it can change lives. And purely from an economic standpoint of view, this can transform the country's sort of development. So I wholeheartedly support this. We are excited, we are committed as a bank. And I think what is going to happen as more and more people get aware of this and more people get to get their shot, it will truly be a shot of life. So in any which way, thank you for approaching us and thank you for co-opting us as a partner in this. And I have to say, Sonu, what a great ambassador, and Mr. Shankar Mahadevan and his troop, just exceptional, right? We know what magic his words can create, and the song really is something that nobody will ignore. And I heard them say the idea was even a 5-second clip should inspire somebody to go and take their shot. And yeah, I can guarantee that if I had not taken it earlier, I would have run to take that. So I'll just close by saying one very wonderful anecdote I heard, Anand. I saw a picture of a dad holding an umbrella for a young sort of girl who's doing her online classes, but the network connectivity at home was bad. So he's standing outside in the rain holding the umbrella. And when probed, he said he could hold the umbrella and stand outside and talk because he had already got a shot. And that shot was because the Sanjeevani Gadi once went to sort of Dakshin Canada, and he was one of the recipients. That was truly a special moment for me when I heard that
he had taken the shot. That shot gave him the comfort to give his daughter the umbrella cover and for her to study. And that study was going on in the open when the rain, because the network at home was bad. How deep can the message of safety go, right? So I think this is quite special. And Hank, we are certainly excited and all the best for this. And let's make sure that Wi-Fi, many more villages, many more people should benefit. Absolutely. You've given me goosebumps. You know, just by telling me this story, I'm getting goosebumps. I'll send you a picture, Anand. I'm not kidding. This is real. It's just amazing. Shyamji, I'm going to request you to just wait for 5 more minutes because I'm going to introduce Shankarji and I'd just like to get everybody in and then, Ajit writes the check. I only speak. Ajit is the one who's making sure that... But I'm going to request you, please stay with me for 5 more minutes. Ajit, fantastic effort. And I was speaking to Shalini ji also yesterday when we talked about this on Clubhouse. And she was telling me how the Federal Bank is also encouraging their own employees to get vaccinated. And that is phenomenal, Ajit. And I thank you all. Thank you once again. Quick comment before I bring in Shankarji and Dr. Anupam Simbal. Yeah. Yeah, as Shyam said, it was a great experience partnering with Network 18. And when we were planning to ensure that our employees as well as their family members are getting vaccinated, we should be doing our bit, our part for the society at large. And it's in that background, we as a responsible corporate citizen, we want to ensure that we are also playing our part, and we tied up with Network 18. Amazing partnership so far, and great to see the great things like Zonu Zoo, then Shankarji associated with this. We are extremely happy and delighted to be part of this. Thanks. Well, absolutely. Thank you. Thank you for keeping it short. I'm going to go quickly, jaldi se bula lete hain. Inse meri baatcheet bhi hui hai, mere show mein bhi aaye hain. Humne bahut sare vishayon par baat kiya hai. As a health partner, Dr. Anupam Simbal, Group Medical Director, Apollo Hospitals is also with us. Anupam ji, namaste. We will talk at length with you in just a bit. What I'm going to do is, without much further ado, with your kind permission, I'm going to also bring in the composers of this anthem, and then we can take this discussion holistically together with everyone. This is the father and son's duo. और ये जितना जादू कर रहे हैं, एक एस ने तो चार चांद लगा दिए थे, अब ये दो एस और जुड़ गए हैं, and they're further embellishing and shining in the music world. Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan, and Shivam Mahadevan. Big, big namaste and lots of love to all of you. Thank you very, very much. It's just phenomenal. And Babar is also the lyricist of this entire anthem, Sanjeevi anthem. So I'm just going to introduce him also. Tanishq is the one who spoke the words. But the inspiration is Shankarji. Shankarji, wo ek hook line jo aapne us din mujhe bola, the fact is I have to thank you that when we reached out to you, we just like Sonu said, chalo Anand karte hain. And I just have to say thank you for that. To you and to Sonu, I will always remember this. Thank you, Anand. You have always been such a supporter. And firstly, let's wish everybody a very happy World Music Day and International Yoga Day. It's a very auspicious day when we are launching this musical piece that we have created. And, you know, I really, really feel privileged that, you know, I've got the opportunity to do this. You know, anybody who would have got an opportunity to do this would have felt privileged because, you know, music is such a powerful medium. You know, you can create, you can inspire, you know, you can just really make people laugh, dance, cry through music, you know. And that's what I really like to thank Federal Bank also and Network 18, the entire initiative of Sanjeevani for putting this together, because it's an amazing, amazing initiative. And music, my song is just a small part of this humongous initiative. And, you know, I think what we need to do is through this, it's almost a fun song. Through this fun song, we are giving a very, very serious message to the entire cross-section of all the generations. So that's why I have both my sons over here, Siddharth and Shivam, so that it reaches across to all the generations. And we have the wonderful Harshdeep Kaur also who has sung it. And we have a young lyricist of today, Tanish Nabar, who's written it. And our young team who's produced this song. So I hope that it reaches out, and I hope you all like the anthem to begin with. And we are totally excited that we are launching it. And let me take this opportunity on national television. We have Sonu Sood ji over here. Hats off to you. Salute to you for doing what you're doing. Really, I mean, we have no words. We feel very insignificant in front of you. But we are very happy that we are part of this initiative.
No, thank you so much, Nikhil. Thank you. Shyamji, if I may ask you, I'm just going to check if Shyam Srinivasan is still with us. Are you there? Shyamji, you met Sonu at Atari. You've heard and you've interacted with Shankarji. You know, what stands out for you? Because we said, let's go out and get into action mode. So you've heard the anthem also. So what is your favorite part before we play out the anthem? Let me ask. No, the favorite part is the finish, right? Lagaya kya, the way Shankar says it. It has a subtle irreverence and forces people to say, oh shucks, how can I miss it? Right? I think that's the clincher. But what probably is not said enough, both of them are super craftsmen on top of their trade. And that trust they bring, I think, forces people to come and say, yeah, I got to take it. Because they're not faces that lack trust, right? So automatically people will say, yeah, these two people have associated. Therefore, we should go and take it. So I think that's my takeaway on this. Thank you so much, Tom. Thank you so much. And you've always been such a supporter of good music and, you know, the art. And now you're being part of this cause. It's really, really a privilege. Thank you, Shyam. Thank you so much. Thank you so much, Shyamji. I'm going to go across to Sonu and ask. I will be off. You guys carry on. Have a great one. I have another one to step into. Thank you very much. Thank you, Shyamji. Thank you so much. KK continues to be part of us. Sibyl, I'll speak to you later. Thank you. With Federal Bank. But let me ask you, Sonu ji, jab hum log Atari pe the, to aapko